हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी, स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी को इसमें। तो फ्रेंड, आए जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिसमें कि आपका रीजनिंग का और उसके बाद जो है कि मैथमेटिक्स का पोर्शन आने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक, तो कंप्लीट ज़रूर सॉल्व कीजिएगा आप सभी आज की इस प्रैक्टिस सेट को। और लास्ट में अपना स्कोर बताइए, कितने स्कोर कर पा रहे हैं आप सभी। और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे करीब करीब आप सभी नोट करने का कोशिश कीजिएगा। जो आंसर पता होगा उसे नोट नहीं करना है, ठीक है? जिसका आंसर पता नहीं होगा, जो नहीं बनता है, उससे नोट कीजिएगा आप सभी, और लास्ट में उसको रिवाइज करते रहिएगा आप सभी। तो इतना सा काम जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लासेस को। हम सभी फ्रेंड क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बिल्कुल इजी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। जैसे कि बैल को गाय लिखा जाता है तो शेर को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। शेर को क्या लिखेंगे? शेरनी लिखेंगे, क्योंकि बैल को गाय लिखा गया है। बैल क्या है? ये नर है। गाय क्या है? मादा है। उसी प्रकार से शेर क्या है? ये भी नर है और शेरनी क्या है? मादा है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर हो जाएंगे। और देखिए आपसे को बताना चाहते हैं, अभी एप्लीकेशन पे बिहार डीएलएड के लिए क्लासेस चल रहे हैं, अगर जो भी ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। बिल्कुल वहां टॉपिक वाइज सारा चीज दिया गया है, जैसे कि इस टॉपिक को पूरा डिटेल से क्लियर किया गया है ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को समझ पाएं और आपका पेपर में क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आप सभी बेसिक से जरूर पढ़ लीजिए, तभी आप इस प्रकार का सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अभी बहुत सारा सवाल आएगा जो कि आप सवाल को नहीं बना पाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि कुट भाषा में इसे इस रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो उसी प्रकार से इसे किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा? इसमें वर्ड आप नहीं ढूंढने लगेगा, ये अल्फाबेट सीरीज को फॉलो किया है। क्लियर है? चलिए बनाने का कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल आपको बताए थे ये सवाल हम आपको, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिर्फ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो सवाल को बना लीजिएगा आप। कोशिश कीजिए बनाने का। हालांकि ये सारा चीज एप्लीकेशन पे क्लियर करवा दिया गया है, जो जो क्लास में ज्वाइन किए हैं बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा आप सभी। तो यहां देखिए थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहां क्या किया गया है, ये चार अक्षर को पकड़िए और इसका चार अक्षर को पकड़िए। देखिए पलटाया गया है, देख लीजिए यहाँ पे इसका चार अक्षर और इसका चार अक्षर पलटा दिया गया है। जो एल आप यहाँ देख रहे हैं वो एल यहाँ आ गया है, जो आई यहाँ देख रहे हैं ये आई यहाँ आ गया है, जो एच यहाँ देख रहे हैं ये एच यहाँ आ गया, और सी कहाँ चल गया? यहाँ चल गया। उसी प्रकार से देख लीजिए एन यहाँ पे है तो एन कहाँ चलाया? यहाँ पे चलाया है। ए यहाँ पे है तो ई यहाँ आ गया, आर यहाँ पे है तो आर यहाँ आ गया, और डी यहाँ पे है तो डी यहाँ आ गया। यानी कि चार चार लेटर क्या कर दिया गया? पलटा दिया गया है। यानी कि यहाँ से इस लेटर को और यहाँ से इस लेटर को पलटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, पलटा देंगे चार लेटर को यहाँ से पकड़ के। देख लीजिए तो ये ई फर्स्ट आ जाएगा और ये एम लास्ट चल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ई यहाँ आ जाएगा, उसके बाद भी आएगा, देख लीजिए भी आएगा, उसके बाद ओ आएगा और एम अंदर आ जाएगा। उसके बाद आगे देख लीजिए यहाँ टी है तो टी यहाँ आ जाएगा, उसके बाद एन आएगा और उसके बाद ई आएगा और उसके बाद एम क्या चल जाएगा? बाहर चल जाएगा। तो ये देख लीजिए कहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। देख लीजिए ए बी ओ एम टी एन ई एम, देख लीजिए क्लियर है। और इसको इस प्रकार से बना सकते थे, ये हुआ शॉर्ट तरीका जो कि सिर्फ देखते ही सवाल को बना लीजिएगा। पर अगर बताएंगे आपको तो ये देख लीजिए बताने का तरीका क्या है, बताने का तरीका जो होगा, पर इसे अगर हम बताएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी बात कुछ नहीं है, हालांकि बताना भी जरूरी है। तो सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं सी एच आई एल डी, उसके बाद आर है, उसके बाद ई है, उसके बाद एन है। तो उसके बाद इसे नीचे लिख लेते हैं क्या लिखा गया है, एल आई एच सी एन ई आर डी लिखा गया है। तो देख लीजिए अब देखिए यहां क्या किया गया है, एल यहां ला दिया गया है, उसके बाद सी को यहां ला दिया गया है, आई को यहां ला दिया गया है और एच को यहां ला दिया गया है। उसी प्रकार से यहां देखिए एन को यहां लाया गया है, डी को यहां लाया गया है, ए को यहां लाया गया है, आर को यहां लाया गया है। तो उसी प्रकार से इसे भी यहां पर मिला देते हैं हम, तो क्लियर हो जाता। तो ये बनाने का तरीका था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बने कि एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में पांच छात्र ने हिस्सा लिया था। सिर्फ ध्यान पूर्वक आप देखते रहिएगा, इसमें थोड़ा सा खाली माइंड लगाइएगा तो आप सवाल को बना सकते हैं। रॉबर्ट ने मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद प्रतियोगिता समाप्त की है।
किसने? रॉबर्ट ने। गुंजन के बाद प्रतियोगिता समाप्त किए पर मोनिस से पहले किए रॉबर्ट ने, ध्यान रखिएगा आप सभी, यह चीज क्लियर हो गया आपका। उसके बाद अनिल ने सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद प्रतियोगिता समाप्त की है, ध्यान रखिएगा अनिल ने सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद प्रतियोगिता समाप्त की है, किसने? अनिल ने। तो अब इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा यह ध्यान दीजिएगा आप सभी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, सारा चीज बना लीजिएगा आप सभी। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है, रॉबर्ट ने मोनिस से पहले, तो रॉबर्ट को हम क्या करते हैं आर से दर्शाते हैं, मोनिस से पहले है ना रॉबर्ट, तो मोनिस यहां पे आ जाएगा, मोनिस से पहले रॉबर्ट हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, पहले लेकिन गुंजन के बाद प्रतियोगिता समाप्त की थी, किसने? रॉबर्ट ने, गुंजन के बाद, तो गुंजन यहां पे आ जाएगा, देख लीजिए रॉबर्ट ने मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद किया है, तो गुंजन के बाद देख लीजिए क्या है रॉबर्ट ने, पर मोनिस से पहले है रॉबर्ट, ये क्लियर हो गया यहां तक कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए आगे क्या है, अनिल ने सुनील से पहले, तो अनिल को ए से और सुनील को एस से, तो अनिल ने सुनील से पहले, तो अनिल सुनील से पहले हो गया। उसके बाद मोनिस के बाद प्रतियोगिता समाप्त की है, यानी कि अनिल जो है मोनिस के बाद प्रतियोगिता समाप्त की है, तो एम यहां चलाएगा, यानी मोनिस यहां चलाएगा, तो देख लीजिए अनिल से पहले मोनिस और अनिल के बाद सुनील ने किया है, तो इसका डायग्राम इस प्रकार से अब तैयार होगा। तो यहां पे ये मोनिस था, उसके बाद यहां आ जाएगा अनिल, उसके बाद यहां आ जाएगा सुनील, तो इस प्रकार से आपको डायग्राम तैयार करके बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसे दो टर्म में बांट लीजिएगा तो सवाल बनाने में क्या होगा, आसान होगा। तो अब यहां कहा गया था कि किसने प्रतियोगिता सबसे पहले समाप्त किया या किसने जीता, तो यहां देख लीजिए सबसे पहले किसने किया है, गुंजन ने किया है, ध्यान रखिएगा आप सभी, और सबसे लास्ट में किसने किया है, सुनील ने। तो सबसे छोटा सुनील है और सबसे बड़ा गुंजन है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी इसे समझ गए होंगे और समझने का प्रयास भी किए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई जोड़ी के समरूप है, यानी कि सी डी को एच लिखा गया है, तो उसी प्रकार से कौन सा जोड़ी जो है कि इसी के समरूप में है, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो सवाल को बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही आंसर आपका आ जाएगा, कोशिश कीजिए बनाने का, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या किया गया है, अगर सी से एच की ओर चलते हैं, ठीक है, सी से अगर एच की ओर चलते हैं और डी से आई की ओर चलते हैं, तो देखिए कितना आगे हैं, तो ये देखिएगा तो पांच आगे हैं, दोनों पांच पांच आगे हैं, देख लीजिए आप सभी, सी के बाद क्या आता है, डी, उसके बाद ई एफ जी एच, क्लियर है, उसी प्रकार से डी के बाद क्या आ जाएगा, ई एफ जी एच आई, पांच प्लस है, तो अब जो है कि हमको सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, सभी में पांच पांच प्लस करके देखते हैं कि कौन सा फॉलो कर रहा है। तो अगर पी में पांच प्लस करते हैं तो देखिए यू आता है, पी के बाद क्या होता है, क्यू आर एस टी यू, बिल्कुल पांच प्लस हुआ है यहां पे, उसी प्रकार से क्यू में पांच प्लस करके देखिए बी आता है, क्यू के बाद क्या होता है, आर एस टी यू बी, बिल्कुल यहां पर भी पांच प्लस किया गया है, तो यह ऑप्शन संभावित है कि यही ऑप्शन सही होगा। अब ऑप्शन नंबर बी सी डी को चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये जहां तक है कि ये बिल्कुल जो रूल ये फॉलो किया है वही रूल ये भी फॉलो किया है, तो ये सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं बी को चेक करके, क्योंकि इसे भी चेक करना जरूरी है, ऑप्शन तो मिल गया कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, पर ऑप्शन बी भी चेक करना जरूरी है। यहां देख लीजिए, अगर I से M की तरफ चलते हैं और J से N की तरफ चलते हैं, तो I के बाद क्या आता है, J K L M, यानी कि यहां चार प्लस किया गया है, उसी प्रकार से J से N की तरफ चलते हैं, J के बाद क्या होता है, K L M N, चार प्लस किया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां पांच प्लस किया गया था। उसी प्रकार से C को चेक कर लीजिए, K से N की तरफ चलते हैं, L एम एन, यानी कि तीन प्लस कर दिया गया है, उसी प्रकार से एल से ओ की तरफ चलते हैं तो क्या हो जाएगा, एल के बाद क्या होता है, एम एन ओ, यानी कि यहां पर भी तीन प्लस किया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा और यह भी बिल्कुल गलती होने वाला है, देख लीजिए आप सभी, अगर ए से आगे बढ़िएगा तो क्या आ जाएगा, ए के बाद बी सी डी आना चाहिए, जो कि यहां पर उल्टा दे दिया गया, तो यह भी गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से बेजोड़ जोड़ी की पहचान कीजिए, इजिप्ट कायरो, इराक दिनार, ग्रीस का एथेंस, इटली का रोम, इनमें से कौन सा बेजोड़ है,
तो यहाँ थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा, सभी क्या है, राजधानी है, ध्यान रखिएगा, किसी ना किसी देश का राजधानी है। जैसे कि इजिप्ट की राजधानी कहाँ है, कायरो है। ग्रीस की राजधानी कहाँ है, एथेंस है। इटली की राजधानी रोम है। जबकि ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो इराक की राजधानी अगर देखिएगा तो वो बगदाद है। और ये क्या है, दिनार वहाँ की मुद्रा है, ध्यान रखिएगा। दिनार क्या है, इराक की मुद्रा है, ना कि राजधानी है। तो ये क्या हो जाएगा, बिमेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि बेजोड़ शब्द है। क्लियर है, इराक की राजधानी कहाँ है, बगदाद है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये बिमेल है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी प्रॉपर सारा चीज को समझ चुके होंगे। तो आज का सेशन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 738 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनका अनुपात 2:3:4 है, तो उनका बी का हिस्सा ज्ञात करना है। क्या करना है, बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये देखिए कितना है, ए बी सी, ए का कितना रेशियो है 2 और रेशियो क्या है 3:4, राइट। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो आप इस तरह करके बना सकते हैं। तो ये सभी को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़ने के बाद कितना सारी संख्या हो जाता है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 और 4 कितना हो गया आपके पास 9 आ गया। क्या आ गया, 9 आ गया। अब ये चीज को ध्यान में देना है कि आपके पास टोटल नंबर कितना है, तो 738 नंबर है, और ये जो 9 है इससे क्या कीजिए, आप डिवाइड दे दीजिए, राइट। तो 738 अपॉन 9 को क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, और भाग देने के बाद दीजिए, ये कट जाएगा। देखिए तो कट रहा आपके पास कितने बार में, 282 बार में कट रहा है। तो कितना आप आया आपके पास, तो 82 नंबर आया, राइट। और आप ये चीज को देखेंगे कि क्या बोल रहा है, किसका हिस्सा निकालने बोल रहा है, तो बी का हिस्सा निकालने बोल रहा है। किसका हिस्सा निकालने बोला, बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा कितना देख रहे हैं, 3 है। तो आप क्या कीजिए, 3 × 82 को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 246 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये कहाँ पे होगा, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। उम्मीद होगा कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ रहा है, तो जब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको बताए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कितना का लाभ हो रहा है, तो 3 का लाभ हो रहा है। और कितने में, तो 10 संतरे में, तो 10 से भाग दे दीजिए, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, ये 0-0 कट जाएगा बिल्कुल। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30% आपका हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 कारगरों ए तथा बी को कार्य कुशलता 5:4 के अनुपात में, यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है, तब बी उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो ये कार्य कुशलता होता है, ये कार्य करने की क्या होता है, क्षमता होता है। कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होता है। तो हमारा 2 आदमी है काम करने के लिए, ए और बी है। ए किसी काम को, ए कितना काम करता है, 5 काम करता है, और बी कितना काम करता है, 4 काम करता है। यहाँ तक क्लियर है, ए कितना काम करता है, 5 काम करता है, और बी कितना काम करता है, 4 काम करता है। ये चीज क्लियर है। अब कह रहा है यदि ए एक कार्य को कितने घंटे में करता है, तो 12 घंटों में पूरा कर लेता है। एक काम कितने घंटों में करता है, 12 घंटों में। लेकिन ए कितने काम करता है, 12, ये कितने काम करता है, 5 काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5 × अगर 12 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास वर्क आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। और जब गुना करें कितना हो जाएगा, ये टोटल ये वर्क आ गया, ये जो 12 × 5 के, तो ये टोटल वर्क आ गया। और हमें निकालना कितना में है, निकालना कितना में था, तो बोला बी उस, तब बी से कितने समय में पूरा किया जाएगा, बी का निकालना है।
तो बी हमारे पास कितना है, चार है, तो आप कीजिए 5 × 12 करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, और टोटल वर्क अब इतना ए इतना दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में काम करता है, चार काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, चार, तो इसको क्या कीजिए, चार से भाग दीजिए, ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा, 5 × 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो 15 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 15 घंटे हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करती है, विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितना प्रतिशत क्या है, कम है, तो जैसे एक क्या है राजू है और क्या है रवि, विजय है, क्या है राजू है और विजय है, अब देखो हम मान लेते हैं बी विजय एक 100 आय उसके पास अर्जित करता है, लेकिन इससे बोला विजय से राजू का कितना 20% अधिक है, तो रुपए में देखा जाए तो 120 हो जाएगा, है कि नहीं, 120 हो जाएगा, अगर इसको क्या कीजिए कितना अधिक कमा रहा है, तो अगर रुपया में देखा जाए तो विजय से राजू क्या कर रहा है, 20 ज्यादा कमा रहा है, क्या कर रहा है, 20 ज्यादा कमा रहा है। अब यहाँ पे हमें निकालना है आय की तुलना में कितना प्रतिशत क्या है, कम है, तो प्रतिशत कम निकालने के लिए क्या होगा, प्रतिशत कमी निकालने के लिए बताए थे कितना का ज्यादा कमा रहा है, तो 20 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए किसके किसके, तो यहाँ पे 120, तो 120 से भाग दे दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये देखेंगे आप, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए 2 1 2 और 6 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये भी कट जाएगा, देख लीजिए 3 3 3 2 6 और 50 2 100, अब आपके पास कितना आया, 50/3%, तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। उम्मीद होगा ये चीज आपका समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 68 है, तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, क्या कह रहा है, दो संख्या है, मान ले जैसे ए प्लस बी दो संख्या है, तो यहाँ पे क्या दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो a प्लस बी दोनों का वर्ग है, और जब इसको किया जाए तो उसका कितना योग हो जाता है, 68 है, पहला ये का, फिर उनके बाद उनके अंतर का वर्ग, अब उनके अंतर क्या, तो a माइनस बी का अंतर का इसका वर्ग कितना दिया गया है, 36 दिया है, और हमें निकालना क्या है, तो संख्याओं का गुणनफल निकले किसका, तो दोनों नंबरों का, तो a और b, a इंटू बी निकालना होगा। अब यहाँ पे ये चीज को देखेंगे आप थोड़ा गौर से, कि यहाँ पे इसको तुलना कर दीजिए इसको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, राइट, और इक्वल टू कितना है, 36। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो कितना निकाला गया है, 68 है, तो आप इनकी जगह पे 68 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, और माइनस क्या कीजिए, 2ab लिखिए और 36 दे दीजिए, राइट, अब यहाँ पे देखेंगे 2ab इक्वल टू 36, इस चीज को अगर इधर चेंज करें तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 68, तो ये माइनस यहाँ पे घटा देंगे माइनस 2ab, इसको घटाएंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो 32 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 16 32 हो जाएगा, तो और a और b इक्वल टू कितना लेना था, आ गया आपके पास 16, यही तो मुझे सोल्व करना था, यही तो a इंटू बी कितना आ गया आपके पास 16, तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी।
आई होप कि ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी संख्याओं को 52 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? तो 44 बचता है। यदि उसी उस संख्याओं को 13 से भाग दिया जाए तो क्या होगा? देखिए काफी इजी है, देख के ही आप आंसर इनका बना सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो करना क्या है, करना ये है आपको कि जिस संख्याओं से भाग देने कहेगा उस संख्याओं से ही आप भाग दे दीजिए, उनके शेषफल से, जिस संख्याओं का देना है भाग और उनकी शेषफल से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे कितना है, 44 भागा कितना दीजिए 13। अब इनको जब हम भाग देते हैं तो क्या होने वाला है देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 3 39 हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, 5 बच जाता है। तो आपका शेषफल तो निकालने कह रहा था, तो शेषफल कितना हो जाएगा, तो शेषफल 5 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं 5:8 के अनुपात में है, यदि दोनों में प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो पहली संख्या का मान क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे कितना है, 5:8 कितना है 8, और क्या दिया है रेशियो, 3:4 क्या दिया है 4। अब ये दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस कितना हो रहा है देख रहे हैं, 4 हो रहा है, इधर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अब एक चीज यहाँ पे देखना है, ध्यान देना है कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे ध्यान देने के, दोनों का जो डिफरेंस है ए और ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे देख रहे हैं सेम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो सेम, तो क्या करना होगा कि यहाँ पे सेम करेंगे, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे थोड़ा सा क्या करना है कि ये दोनों को क्या कीजिए, अंतर कर दीजिए, अंतर कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो इनका अंतर हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार इनका अंतर अगर हम करते हैं कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा था तब इस तरह का परेशानी करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 और 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इनका गुना करते तो क्या हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा, और इनका जब हम गुना करते तो 3 3 9 हो जाता है और 4 3 12 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम मिल रहा है, देखिए डिफरेंस करते हैं तो कितना हो जाता है, 4 मिल जाता है। अब जो यहाँ पे देखिए कितना नंबर दिया था आपके पास, 12 नंबर दिया था, तो आप क्या कीजिए 12 से डिवाइड दे दीजिए कितना में, कितना आया है 4, 4 से भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा, 3। अभी तक आपका आंसर नहीं हुआ है, लेकिन निकालना क्या है, पहली संख्या क्या है, तो इनका पहली संख्या 5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 × क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की परिधियों 3:1 का अनुपात है तो इन वृत्तों का क्षेत्रफल अनुपात होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो वृत्त है इस तरह का, और ये दोनों वृत्त का क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे चीज देखेंगे, वृत्त 1 अगर देखा जाता है उसका परिधिया कितना हो जाता है, तो यहाँ पे निकालने के लिए 2π r1 कर दीजिए, r2 कितना है, इसका भी 2π r2 कर दीजिए, क्लियर है। अब इनको क्या कीजिए, डिवाइड दीजिए इधर भी, तो इनका रेशियो क्या दिया है, 3:1, तो यहाँ पे कर दीजिए 3/1। अब ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, r1/r2 = 3/1 बचेगा, राइट। अब मुझे यहाँ तक अभी कुछ निकला नहीं है, अब यहाँ पे क्षेत्र, वृत्तों के क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है π r² 1 हो जाएगा, π r² 2 हो जाएगा, ये होता है। अब इक्वल टू कितना दिया गया है, अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, अब देखिए r कितना आया, r1 कितना था, तो 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और इधर r2 का कितना था, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 9/1, इसका रेशियो में लिख सकते हैं 1:9, इनका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना कर रहा है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का क्या है बराबर हो तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ये यहाँ पे समझने वाली बात यह है मेरे प्यारे दोस्तों,
कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का बराबर है। तो यहां तो क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, हानि हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, हानि हो रहा है। तो लाभ या हानि हो तो वहां पे आपको हम फॉर्मूला बताए थे मेरे प्यारे दोस्तों, कि क्या बताए थे कि वस्तुओं का अंतर बटे बेची गई वस्तुओं, यही बताए थे। तो वस्तुओं का अंतर कितना हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वस्तुओं का अंतर क्या है, तो 3 है। वस्तुओं का अंतर क्या है, 3 है। और बेची गई वस्तुओं, बेची गई वस्तुओं मतलब कहे तो विक्रय मूल्य कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 15 है। और इनटू क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये कट जाएगा, देखिए तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये 25 जा 100 हो जाएगा। तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 20% होगा। बट ये क्या होगा, 20% हानि होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा, हानि हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों।